हेलो दोस्तों हाउ टू यूज़ एन ऐप चैनल पर मैं आप सबका स्वागत हूँ दोस्तों मैंने एक फ़ोटो एप्लीकेशन स्नैपसीड पे पांच ट्यूटोरियल बनाई है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइव ये पार्ट सिक्स है चलिए दोस्तों देखते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन क्या करती है इस पर हम क्लिक करते हैं मैंने पहले ही फ़ोटो इसमें डाल रखी है अपनी चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है हमने स्टाइल को समझा दिए हम टूल्स पर यूज़ कर रहे हैं टूल्स में मैंने यहाँ तक बता दिया है कि ब्लैक एंड वाइट तक यहाँ तक कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आज का हमारा ऑप्शन है नो पोर्ट्रेट हेडफोज लेंस ब्लर चलिए देखते हैं नो पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए आपकी फ़ोटो को क्या कर देगी इस तरह की बना देगी आप अलग अलग तरह की इफेक्ट को आप अप्लाई कर सकते हो आपको जो ठीक लगे जो आपको लगे कि हाँ जी ये जो है हमारे लिए सही है तो आप चुन सकते हो उसके बाद यहाँ खुद से भी सेट कर सकते हो ब्राइटनेस कहता है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि आपको ये इस पर लगा देता हूँ और उसके बाद ब्राइटनेस आप खुद से भी यहाँ से ज़्यादा कम कर सकते हो और यहाँ से वॉश जो है इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो कितना बढ़िया इफेक्ट ये दे रहा है पहले देखिए ग्रेन को भी आप बढ़ा सकते हो ये देखिए ग्रेन आपके फोटो पे इस तरह की ग्रेन है इसको कम कर सकते हो ज़्यादा करके भी देख सकते हो क्या होती है देखिए इस तरह से सामने सब दिखाई दे रहा है और यहाँ फिल्टर स्ट्रेंथ है कम करना चाहो तो कम कर सकते हो तो ये रहा हमारा ऑप्शन नोयर अब चल देखते हैं पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट ऑप्शन क्या करता है पोर्ट्रेट ऑप्शन जो है आपके देखिए इस तरह की ऑप्शन दे दे देती है यहाँ से आप अलग अलग तरह की ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हो इस तरह से देखिए आपकी सारी ऑप्शन दी हुई हैं आप क्या लगाना चाहते डार्क लगाना चाहते हो यहाँ से कहता है फेस स्पॉटलाइट फेस स्पॉटलाइट बनाना चाहते हो देखिए ये फेस की स्पॉटलाइट आपकी बढ़ाएगी और यहाँ से आपको है स्किन स्मूथिंग तो स्किन की स्मूथिंग कर देगी मतलब स्किन पे काम करना और आई की क्लैरिटी आप चाहते हो तो ये देखिए आई की क्लैरिटी यू करके देखिए जरा आप करके देखोगे तो ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा ठीक है इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो पोर्टेट अब समझते हैं हेड पोज ये हेड पोज क्या है जैसे आप हेड पोज पर क्लिक कर लेते हो तो यहाँ से आप हेड में अपनी पोज डाल सकते हो देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से आपकी हेड घूमेगी इस तरह से आप हेड कर सकते हो इस तरह से देखिए हेड की पोज़ मैंने दे दी आपको यहाँ दिख रही होगी हेड की पोज आप दे सकते हो इस तरह से आप घुमा घुमा के अपने हेड को पोज दे सकते हो यहाँ से पीपल के साइज़ बढ़ाने की और बात करती है जीरो है तो यहाँ से आप पीपल के साइज़ को बढ़ा सकते हो उसके बाद है आपका स्माइल तो देखिए मैं अपने स्माइल में देखिए चेंजिंग दोस्तों देखिए कैसी है ये एप्लीकेशन ये देखिए स्माइल को भी चेंज करा सकती है थोड़ा सा करोगे तो ज़्यादा अंतर नहीं समझ में आएगा सही रहेगा और फोकल लेंथ को भी आप अपना बढ़ा सकते हो इस तरह से ठीक है तो इस तरह से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं ये आपके फेस पे काम करती है ये देखिए इस तरह से ठीक है इस तरह इधर कर सकते हो उधर कर सकते हो ऊपर नीचे जैसे चाहे इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो वो है आपका लेंस ब्लर अगला ऑप्शन है लेंस ब्लर जैसे लेंस ब्लर पर क्लिक करते हो तो इसके अंदर लेंस ब्लर आ जाएगी जो आपकी लेंस ब्लर है वो उस तरह से आपको आ जाएगी जहाँ लगाना चाहो देखो ये जहाँ आप अपने लेंस ब्लर को ले जाओगे वहाँ ये अप्लाई हो जाएगी इस तरह से ये होगा लेंस ब्लर हम चलते हैं अगले ऑप्शन के अगले ऑप्शन से हमारा है विगनेट इस पर क्लिक कर लेते हो तो देखिए विगनेट आपकी अप्लाई हो जाती है विगनेट में आपको दो ही देता है एक आउटर ब्राइटनेस और एक इनर ब्राइटनेस आउटर ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो इनर ब्राइटनेस को जीरो है तो इसको भी आप चाहो तो लगा सकते हो अंदर की ब्राइटनेस तो इस तरह से विगनेट को भी यूज़ कर सकते हो कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है डबल एक्सपोजर डबल एक्सपोजर का समझिए डबल एक्सपोजर क्या कर सकते हो कि आपकी जो एक फिट फोटो दिख रही है इसके ऊपर एक और फोटो डालने की बात कह रहा है देखिए यहाँ पर कहता है ईमेज देखिए इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ देखिए इस पर क्लिक करते ही एक और फोटो को आप इसके ऊपर डाल सकते हो तो मैं अपनी एक और फोटो डाल देता हूँ इसी पर कि मैंने डाल दी और डबल एक्सपोजर लग गई अब देखिए यहाँ दोनों फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है और यहाँ से मैं ऊपर वाली ऊपर रख देता हूँ एक जो अभी फ़ोटो लगाया हूँ आप देख सकते हो डबल एक्सपोजर क्या कर रही है ये देखिए डबल एक्सपोजर क्या कर रही है दोनों को ऐड कर, कर सकते हो सब्ट्रैक्ट करा सकते हो डिफ़ॉल्ट कर सकते हो और चाहो तो और भी अप्लाई कर सकते हो तो मैं बैक करता हूँ तो इस तरह से आप दो फ़ोटो को भी आपस में ज्वाइन करा सकते हो ये हो सकता है ऐसे दिखाओ ठीक है तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो डबल एक्सपोजर अब टेक्स्ट क्या है टेक्स्ट जैसे आपने अप्लाई किया तो आप अपने फ़ोटो पर टेक्स्ट लिख सकते हो कुछ भी यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो माई फोटो इस तरह से वहीं फ़ोटो डाल दिया ओके okay कर लिया और यहाँ से टेक्स्ट को आप अलग अलग कलर डिफाइन कर सकते हो यहाँ से अपनी फ़ोटो को रख सकते हो और यहाँ से आप अलग अलग कलर अपने टेक्स्ट को डिफाइन कर सकते हो देखिए इस तरह से जो चाहे कलर आप अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हो यहाँ से आप इसको इन्वर्ट कर सकते हो और ये देखिए आपके अलग अलग टेक्स्ट हैं देखिए डिज़ाइन वही टेक्स्ट की अलग अलग जो चाहे जो आपको पसंद हो जो आप टेक्स्ट लगाना चाहो यहाँ से आप टेक्स्ट लगा सकते हो जो डिज़ाइन आपको ठीक लगे तो मैं देखता हूँ कौन सी डिज़ाइन मेरे को तो अभी तक ठीक कोई लगी नहीं देखता हूँ हाँ ये कुछ ठीक लगी ये स्टाइल कुछ ठीक लगी हाँ हाँ ये ये ठीक है कुछ हद तक ठीक है तो इसको अप्लाई कर लिए माय फोटो हो गया ठीक है उसके बाद है आपका फ्रेम्स जैसे आप फ्रेम्स से क्लिक करोगे तो आप अपने फोटो के अंदर अलग अलग तरह की फ्रेम्स अप्लाई कर सकते हो देखिए इस तरह से कितनी अच्छी लग रही हैं अलग अलग तरह के तो मैं कहा कि ये फ़ोटो पर काम करने वाला एप्लीकेशन ही है आप अपने फ़ोटो पर काम कर सकते हो और मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो ये अलग अलग तरह तो के फ्रेम हैं जो भी आपको लगे कि हाँ ये फ्रेम देखिए ट्वेंटी थ्री फ्रेम्स हैं जो आपको फ्रेम सही लगे तो मेरे को ये मेरे को तो ये थोड़ी सी अच्छी लगी मेरे को जो ठीक लग रही है मैं देखता हूँ खोजता हूँ कौन सी मैं ये अप्लाई करूँ तो यहाँ से देखता हूँ हाँ ये कुछ अच्छी लगी मेरे को तो यहाँ से मैं अप्लाई कर लेता हूँ तो ये देखिए मेरी फोटो तैयार हो गई ही मेरी फोटो तैयार होगी यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करने पर कहता है कि इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ या इसको सेव कर लीजिए या एक्सपोर्ट कर लीजिए या एक्सपोर्ट एज अ कॉपी तो मैं सेव कर लेता हूँ क्रिएट अ कॉपी ऑफ योर फोटो ये देखिए आपकी फ़ोटो सेव व्यू करना चाहते हो तो व्यू पर क्लिक कर लो यहाँ से आप जहाँ देखना चाहते हो स्नैपसीट में देखना चाहते हो तो ये देखिए स्नैपसीट में आपकी आ गई फ़ोटो तो ये रहा पूरा ट्यूटोरियल ख़त्म हो गया आपका जे स्नैपसीट को मैं अगर आपने मेरे पिछले वीडियो से वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखो आपको ज़्यादा क्लियर होगा आप सबका इतना समय देने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें जितना हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आपका बहुत बहुत धन्यवाद